आम जनता पर महंगाई की मार, एक बार फिर बढ़े घरेलू गैस सिलेंडर के दाम, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, 50 रुपए महंगा हुआ 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर। दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए। आम जनता पर महंगाई की मार, तो आम जनता पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है, जहां एक बार फिर सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। लगातार विपक्ष बढ़ते दामों को लेकर जहां प्रदर्शन करता हुआ भी बीते दिनों नजर आया है, तो वहीं एक बार फिर सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है और इस बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कभी घरेलू कभी कॉमर्शियल, एक बार फिर आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, किस तरह से देखते हैं आम जनता को, कितनी मार पड़ रही है महंगाई की? देखिए, जैसे पहले भी गैस सिलेंडरों के दाम बढ़े हैं, लोगों को खासा परेशानी रही है, लेकिन अब जो दोबारा से बीच में एक गैप देकर जो दोबारा से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, बात की जाए अगर 14.2 किलो गैस सिलेंडर की, तो उस पर 50 रुपए सीधा सीधा एक दोहरी मार कह सकते हैं कि जो जनता को दोहरी मार पड़ी है। साथ ही अभी तो जनता वैसे भी नहीं उबर पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं, इससे काफी परेशानी हो रही है लोगों को। खासा परेशानी इसलिए भी हो रही है कि लोग लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं, लगातार और अन्य चीजों पर महंगाइयां बढ़ रही थी उसको जब झेलते हुए अब दोबारा से सरकार द्वारा जो एक 50 रुपए डायरेक्ट 50 रुपए की जो मार आम जनता को दी गई है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और बात की जाए कॉमर्शियल सिलेंडर जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो यूज किए जाते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं 8.50 पैसे की जो बढ़ोतरी हुई है, तो वो भी काफी चिंताजनक है, क्योंकि वहां पर कई काफी सिलेंडरों का यूज होता है, जिस तरह से खान पान बनाया जाता है वहां पर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि रेस्टोरेंट के दाम भी बढ़ सकते हैं इस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से। जी, जिस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने लोगों को सिलेंडर दिया, जिस तरह से लोगों को चूल्हे से हटाकर आगे बढ़ने की एक नए सपने दिखाए, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या वो सिलेंडर धरे के धरे रह जाएंगे? एक बार फिर लोग वही लकड़ी जलाकर अपना घर का काम करेंगे, गुजर बसर करेंगे? जी बिल्कुल, ये देखो महत्वपूर्ण बात है, जो सिलेंडर एक समय पर उज्ज्वल योजना के तहत जिस तरह से लोगों के घर घर जो बांटे गए थे, घर घर पहुंचाए गए थे, कि कोई भी ऐसा ग्रामीण क्षेत्र ना हो, कोई भी ऐसा शहरी क्षेत्र ना हो जिनको खासा परेशानी जो होती थी आग जलाकर अपने चूल्हे पर खाना बनाने को लेकर, जिससे कि महिलाओं को खासा आंखों में दिक्कत होती थी, जिससे कि धुआं प्रदूषण फैलता था, तो उसको देखते हुए भी सरकार ने जो फैसला लिया था उज्ज्वल योजना के तहत, तो वो अब कहीं ना कहीं वो धरा का धरा ही रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कीमतें जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और आम जनता पर जिस तरह से दोहरी मार सरकार द्वारा दी जा रही है, ये भी काफी चिंताजनक है। और बात की जाए अब विपक्ष की, तो विपक्ष भी लगातार इस पे तंज कस रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को घेरे में ले रहा है, कहीं ना कहीं दोबारा हो सकता है कि विपक्ष के लिए एक बहुत बढ़िया रणनीति बन सकती है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए। जी प्रवीण, अगर सब्सिडी की बात करी जाए तो इस वक्त सब्सिडी का हाल क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, सब्सिडी भी अगर बात की जाए, जिस तरह से पहले जो सब्सिडी चालू की गई थी कि आप लोग जो भी आम जनता है सिलेंडर खरीदती है और उसको उसके खाते में तुरंत उसको सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सब्सिडी भी अब काफी लोगों की कट चुकी है, जहां तक कही जाए तो किसी को भी नहीं मिल पा रही है। ये सरकार जिस तरह से अब जो महंगाई की जो लगातार बढ़ोतरी है, और साथ में जो अपने एक नियम वाली जो बनाई थी इन्होंने कि सब्सिडी दी जाएगी और उज्ज्वल योजना के तहत घर घर सिलेंडर होंगे, घर घर लोग खाना बनाएंगे गैस पे, तो कहीं ना कहीं अब जो सरकार की नीयति है कहीं ना कहीं अब कुछ अलग तरीके से देखने को मिल रही है। जी प्रवीण, जब भाजपा विपक्ष में थी तो महंगाई को लेकर, खास तौर से गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर काफी प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो क्या विपक्ष इतना मजबूत है, क्या वो हर एक मुद्दे उठा पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल किया है, जिस समय पर भाजपा सरकार विपक्ष में थी तो कहीं ना कहीं आपने सुना भी था कि जिस समय सांसद के अंदर में एक गाना चला था महंगाई डाइन खाए जाते, तो कहीं ना कहीं उस समय की जो महंगाई कांग्रेस सरकार के द्वारा थी, अब जो है भाजपा सरकार द्वारा लगातार ये महंगाई को बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब कहीं ना कहीं विपक्ष को एक जरिया मिल गया है सवाल उठाने के लिए। विपक्ष लगातार तंज कस रहा है भाजपा सरकार को लेकर कि आखिर ये लगातार जो गरीब लोगों के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है, तो उससे गरीब आदमी काफी खासा परेशान दिख रहा है। जी
जी दिल्ली में जो गैस सिलेंडर के दाम वो 1000 के पार पहुंच चुके हैं। अगर बात करें आसपास के इलाकों में, गाजियाबाद की बात करी जाए तो वहां पे गैस सिलेंडर के क्या दाम है? देखिए बिल्कुल, देखिए दिल्ली क्या है कि दिल्ली में जिस तरह से जो दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर में भी अभी वही रेट है, क्योंकि एनसीआर से सटा हुआ है तो सेम रेट है। अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहां दामों की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी उसका जो रेट है अभी निकल के सामने नहीं आया, जो भी अभी जो दाम बढ़े हैं जैसे 1050 रुपए कुछ दाम बढ़े हैं, जिससे कि लोग जो पहले जो सिलेंडर लिया करते थे 800-900 रुपए का सिलेंडर पड़ता था, 700 का पड़ता था, कहीं ना कहीं लगातार अब जो महंगाई 50 रुपए के तहत और भी मतलब बड़ी काफी महंगाई की मार दी गई है। जो 50 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है देखा जाए तो, अगर सरकार चाहती तो धीरे धीरे किसी तरह से ये दाम जो है जो बढ़े थे इनको कम कर सकती थी। आखिर क्या वजह रही है, किस वजह से ये दाम बढ़ाए गए, ये देखने वाली बात है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़े थे। तो आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है एक बार फिर, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और इस बार 1 रुपए 2 रुपए नहीं सीधा 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम इससे पहले बढ़े थे और अब रसोई गैस के दाम भी बढ़े हैं और सीधा 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 1058 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है रसोई गैस सिलेंडर और इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लोगों को। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महंगाई की मार देखने को मिल रही है और काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो गैस सिलेंडर है वो हमारे आम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन चुकी है।